आज की वीडियो होने वाली है वाईफाई 7 और 802.11be के बारे में। तो रिसेंटली CES 2023 में MSI ने अपना फर्स्ट वाईफाई 7 गेमिंग राउटर रेडिक्स BE22000 रिवील किया था, जिसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक सा लग रहा है। और जिनको नहीं पता, वाईफाई 5 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, जिसकी 3.5 GBPS मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड थी और ओनली 5 GHz फ्रीक्वेंसी के साथ लॉन्च हुआ था, सिंगल बैंड के साथ। फिर वाईफाई 6 लॉन्च 2019 में और 2021 में Wi-Fi 6E लॉन्च हुआ, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 9.6 GBPS। बट अब Wi-Fi स्पीड 5 टाइम फास्ट हो जाएगी प्रेजेंट टाइम से, और ये पॉसिबल होगा Wi-Fi 7 की वजह से। Wi-Fi 7 के साथ आने वाले प्रोडक्ट 2023 के मिड से लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे और 2024 के एंड तक ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के अंदर Wi-Fi 7 मिलेगा। Wi-Fi 7 मल्टी लिंक ऑपरेशन या MLO फीचर के साथ आएगा। ये सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे, बिकॉज Wi-Fi 6 के अंदर सिंगल लिंक का ऑप्शन मिलता था। Wi-Fi 6 के अंदर 2.4 GHz एंड 5 GHz ओनली दो बैंड ऑप्शन थे, और इनमें से भी कोई एक चूज करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, Wi-Fi 7 मल्टी लिंक ऑपरेशन फीचर के साथ आने वाला है और इसके अंदर 3 बैंड का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 2.4 GHz, 5 GHz एंड 6 GHz ये 3 बैंड ऑप्शन मिलने वाले हैं। इस फीचर को थोड़ा और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब Wi-Fi 6 राउटर को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे दो ऑप्शन शो होते हैं, 2.4 GHz एंड 5 GHz, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट Wi-Fi 7 का MLO फीचर एक स्मार्टफोन से मल्टी चैनल कनेक्ट कर देगा एट द सेम टाइम। Wi-Fi 7 के कुछ अदर की फीचर्स के बारे में बात करें तो Wi-Fi 7 5 टाइम फास्टर होगा Wi-Fi 6 से, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी अप टू 46 GBPS। इसमें 100x लो लेटेंसी मिलेगी फॉर गेमिंग, मतलब 2024 में ऑनलाइन गेमिंग इजिली कर पाएंगे विदाउट एनी ग्लिचेस, और 8K वीडियो क्वालिटी में लाइव मीडिया कंज्यूम कर सकेंगे। जिनको नहीं पता, Wi-Fi 6 में 1024 QAM है और Wi-Fi 7 में QAM की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी Wi-Fi 6 के कंपैरिजन में, मतलब 4K QAM मिलेगा Wi-Fi 7 में। और QAM का मतलब है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब सिंपल सा है, नाम बहुत बड़ा है। हायर QAM नंबर इज इक्वल टू हायर ट्रांसमिशन रेट एंड हायर नेटवर्क कैपेसिटी। Wi-Fi 7 में प्रेम्बल पंचुरिंग फीचर को स्टैंडर्ड कर दिया गया है, Wi-Fi 6 में यह फीचर ऑप्शनल था। Wi-Fi 7 के अंदर मोशन टू फोटोन लेटेंसी मिलेगी, इससे बेनिफिट ये होगा कि वाईफाई सिग्नल वीक नहीं होगा चाहे डिवाइस कितना भी मोशन करे। वाईफाई 7 ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन और AFC फीचर के साथ आएगा। बेसिकली AFC रजिस्टर क्लाउड डेटाबेस को चेक करता है, और अगर सब कुछ ठीक है तो सैटेलाइट कनेक्शन एंड रडार सिस्टम के सिग्नल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे लो लेटेंसी कनेक्टिविटी मिलती है, और ये ओनली 6 GHz बैंड के साथ एप्लीकेबल है। तो इन फीचर से ये पता लगता है कि वाईफाई 7 एक ट्रू अपग्रेडेड वर्जन होगा वाईफाई 6 का। और आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।